यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। पुलिस ने फरार नामजद अभियुक्त रविंद्र पासवान उर्फ डीजीएम को दबोच लिया। गिरफ्तार अभियुक्त बनाही गांव का रहने वाला है और ट्रेन पकड़ भागने की फिराक में लगे अभियुक्त को हुसैनाबाद एसडीपीओ मनोज कुमार महतो के नेतृत्व में गठित टीम ने गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गिरफ्तार अपराधी हैदरनगर और हुसैनाबाद के क्षेत्र में दहशत का पर्याय बना हुआ था। पुलिस कप्तान के निर्देश पर उसकी गिरफ्तारी हुई। वह लूटपाट सहित कई कांडों में संलिप्त था। रविंदर पासवान जेजेपी के नाम से एक संगठन खड़ा किया था और इस पूरे क्षेत्र में निधि वसूल करना इसका मुख्य काम था और टंडवा नवी नगर के साथ साथ हैदरनगर हुसैनाबाद क्षेत्र में बहुत सक्रिय था। इसके विरुद्ध हम लोगों ने के विरुद्ध हैदरनगर थाना में 3 कांड दर्ज है और उसका आरोपी भी है, लगातार फरार चल रहा था। इसकी कुर्की जब्ती भी की गई थी और इसके 14 मेंबर्स जो जिसके साथ ये काम करता था उन्होंने अपना नाम बता दिया था। इसके मेंबर्स कौन कौन थे और बार बार लूटपाट के काम में व्यस्त क्षेत्र में कर रहे थे और ये भी वसूल करना इनका भी यही काम था। और इसी क्रम में एसपी साहब को सूचना मिली थी कि हैदरनगर क्षेत्र में कोई बड़ी घटना लूट की घटना को अंजाम देने के लिए डीजीएम आ रहा है और वही स्टेशन के पास हैदरनगर के स्टेशन के पास इसकी गिरफ्तारी हो रखी है। इस टीम में हैदरनगर थाना प्रभारी मौजूद थे और उनके नेतृत्व में एक पूरे हैदरनगर रेलवे स्टेशन के पास हम लोग एम्बुलेंस लगा के